स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर, टुडे आवर टॉपिक इज अ फेलो ट्रैवलर दैट इज रिटन बाय एजी गार्डनर। इस हिंदी मीडियम लेक्चर में जिसमें हम आज आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं अपने चैप्टर जो कि पूर्व से है, चैप्टर नंबर 2 अ फेलो ट्रैवलर। हम इससे पहले कि चैप्टर को आगे बढ़ाएं और चैप्टर के पैराग्राफ्स और टेक्स्ट के थ्रू आगे बढ़ें, हम जानेंगे लेखक के बारे में और इस चैप्टर के बारे में कि इनकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसमें विशेष लिखा गया है। सबसे पहले हम जानते हैं लेखक के बारे में कि जिनको हम एजी गार्डिनर के नाम से जानते हैं, इनका फुल नेम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर था। ये एक महान निबंधकार थे इंग्लिश लिटरेचर में, फाइनेस एसिस जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और उनके जो ऐसे थे वो बहुत ही आनंद की अनुभूति कराने वाले, ह्यूमर से भरे हुए थे, हास्य से भरे हुए थे। उनके ऐसेज उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं और ये बहुत ही हल्के फुल्के और हास्य के साथ लिखे गए हैं। इसके अंदर हास्य का पुट देखने में मिलता है। वे अपने ऐसेज को कुछ ऐसा रंग देते हैं कि यह नैतिकता और शिक्षा देने वाले प्रतीत होते हैं। एंड डायडेक्टिक नोट इसके अंदर दिखाई देता है। डायडेक्टिक नोट मीन्स ये शिक्षाप्रद और जीवन को कुछ सिखाने वाले होते हैं। इनका पेन नेम, वह नाम जिसके थ्रू लेखक कोई भी राइटिंग लिखते हैं, जिसके आधार पर, जैसे कि आपने ओ हेनरी नाम सुना होगा, इसी तरह से इन राइटर का नाम अल्फा ऑफ द पिलो था। अपने एसेज में ये राइटर जीवन के मूलभूत सच्चाइयों को, जीवन की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आनंद देने वाले तरीके और विधि के साथ। हम जानेंगे यहाँ पर अबाउट द लेसन, थोड़ा सा सारांश कि ये चैप्टर आखिर है क्या। इस ऐसे में जो कि अ फेलो ट्रैवलर नाम से लिखा गया है, जिसको एजी गार्डनर ने नैरेट किया है, वर्णन किया है, वह मिलते हैं एक मच्छर से एक रेलवे जर्नी के दौरान, और उन्होंने इस अपने यात्रा को, जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, उसको बहुत ही हास्य और दार्शनिकता के साथ लिखा है, जीवन की गहराई से जोड़ करके इसे बताया है। एक दिन वह एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और यह ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन थी जो कि लंदन से मिडलैंड टाउन तक जाने वाली ट्रेन थी। शुरुआत में जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो इसके अंदर ठसाठस लोग भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने आउटर रिंग ऑफ लंदन को पार किया, इक्का दुक्का करके लोग उतरने लगे, और जब सारे लोग उतर गए तो अचानक से सडनली ही बिकेम अवेयर ऑफ अ फेलो ट्रैवलर। तभी इन्हें पता चला कि इनके साथ एक कोई और यात्री भी सफ़र कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और उन्हें पता चला ये कोई और नहीं मच्छर है जो कि उनके नाक पर आकर बैठ गया। लेखक ने उसको उड़ाया और उड़ते ही मच्छर ने एक राउंड लिया पूरे कंपार्टमेंट का और उसके बाद उनके हाथ पर आकर बैठ गया। इस बात से लेखक बहुत ज़्यादा चिढ़ गए और उन्होंने कोशिश की मच्छर को मारने की, लेकिन वह मच्छर को मारने में कामयाब नहीं हुए। थोड़े समय के बाद लेखक को एक अनुभूति हुई, एक एहसास हुआ, और उन्होंने इस मच्छर के जीवन के बारे में गहराई से सोचा और जीवन के रहस्यों को वह समझने लगे। उन्हें लगा कि लेखक का स्वयं का जीवन और मच्छर का जीवन दोनों ही रहस्य से भरे हुए हैं, दोनों ही प्राणी हैं, दोनों ही नश्वर हैं, और वास्तव में दोनों को ही अपने वास्तविक जर्नी के बारे में नहीं पता। उसी तरह से मच्छर भी वहाँ पर उनके उस कंपार्टमेंट में आ गया था, और एक प्राणी होने के नाते उस कंपार्टमेंट के सभी अधिकारों पर लेखक के साथ बराबरी से उन पर पजेशंस को चैलेंज कर रहा था। तो ये थी समरी जो कि कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जा सकती है, और आशा करता हूँ कि आप इस कंटेंट्स को, इस विषय वस्तु को अपनी राइटिंग में यूज़ करेंगे। धन्यवाद।